गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं सन्नू फिर आ गई हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, और वही हमारे खेतों से हो रही है दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मैं अभी आ रही हूँ आज, क्योंकि डुगू आज लेट ही उठा, अभी उठ रहा था, तो उसको थोड़ा खाना पीना खिला के आई मैं। और अब करती हूँ गुड़ाई दोस्तों। और क्या बोलते हैं दोस्तों, मैंने कल शाम को एक वीडियो देखी थी, जो बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, तो उनकी वीडियो देखी थी। तो उनसे मुझे एक सीख मिली कि उन्होंने बोला कि चाहे चैनल ग्रो हो या ना हो, चाहे हमें पैसे मिले या ना मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें बस अपनी मेहनत यूँ ही हमेशा लगातार करनी रहनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल जो है एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। और अगर हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे, और मतलब कि हम अगर मेहनत कर, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं और हमें ऐसा होता है कि नहीं भाई, हमें तो आज हमने वीडियो बनाई और आज ही हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए, तो ऐसा कहाँ होगा दोस्तों, क्योंकि उतने तो अभी धीरे धीरे होते हैं। अगर हम जैसे जिम वगैरह जाते हैं, अगर हमें अपनी बॉडी की फिटनेस बना के रखनी है, तो बॉडी एक ही दिन में तो ग्रो होगी नहीं, एक ही दिन में तो होगा नहीं, तो उस बॉडी को भी महीने 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं और उस बॉडी को बनाने के लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भी लग सकते हैं, 2 साल 3 साल कितना भी लगे, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना है, धैर्य को खोना नहीं है। अच्छी तरह से अगर हम काम करते रहेंगे, तो हमें एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या है कि पहले मुझे बोलना भी नहीं आता था, तो धीरे धीरे बोला मैंने, सीखा, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और आज मैं बोल पा रही हूँ बेझिझक होके, चाहे जो भी हो सबके सामने बोल देती हूँ। अब पहले तो ऐसा होता था कि एक वीडियो बनाई तो उसको बनाने के लिए अंदर पे चले गए, फिर अंदर पे बनाई, फिर बाहर पे देखा कि लोग हैं तो बोला ही नहीं, बस चुपचाप रहती थी। उसके बाद जब कोई नहीं रहता था, तब अकेले अकेले में वीडियो बनाती थी मैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा मुझे होता ही है, लेकिन अब थोड़ा आदत पड़ चुकी है दोस्तों। तो ऐसे ही अगर मुझे वीडियो बनाने की आदत पड़ सकती है, तो दोस्तों धीरे धीरे काम यूट्यूब पे काम करने की अच्छी आदत पड़ जाएगी, और जितना हो सके दोस्तों अपने धैर्य को बनाए रखें। अगर आप अपने धैर्य को नहीं बना पाओगे और बोलोगे कि भाई मुझे तो आज ही रिजल्ट चाहिए या मुझसे नहीं होगा, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं दोस्तों, कि भाई मेहनत भी कर रहे हैं और पीछे से बोल रहा है, बोल भी रहे हैं कि हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, होके सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, अभी कर रही हूँ मैं गुड़ाई, और मुझे जो है उनकी बातें बहुत ही अच्छी लगी। तो दोस्तों, गुड़ाई करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। धूप भी बहुत तेज़ लगी है, बहुत ही तेज़ जिसे बोलते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अगर जैसे बोला था उन्होंने कि अगर हम किसी की वीडियो को देखते हैं, हम तो चलो छोटे हैं अभी, हमको तो उनमें ना सब्सक्राइबर हैं ना व्यूज़ आते हैं, पर जो बड़े बड़े हैं उनकी वीडियो अगर हम देखते हैं, अगर हम उन्हें लाइक और कमेंट करते हैं, तो दोस्तों उससे भी हमारा बहुत फ़ायदा होता है, उससे भी हमारे अच्छे खासे व्यूज़ बन जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे जो है हमारा चैनल, हम किसी को, किसी बड़े यूट्यूबर को लाइक करते हैं, तो हमारा जो चैनल है वो उसके उसमें भी चला जाता है दोस्तों, तो उस वजह से हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से करते हैं इसकी गुड़ाई, और दिखाती हूँ आपको कि ये देखो कितना सारा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। रखने की
जगह भी नहीं बची है खेत में कसम से को दोस्तों। और इस प्रकार से ये जो झंगोरा है ये हमारा अब अच्छा दिखाई दे रहा है गुड़ाई करके, और बस इतना बचा है मेरा ये, और यहाँ पर से यहाँ पर तक उस साइड का भी मैंने कर लिया है दोस्तों। बहुत ही पानी प्यास लग ज़्यादा पानी प्यास लग चुकी है, और थोड़ा इसको कर देती हूँ पहले फिनिश, फिर जाती हूँ पानी पीने। यहाँ सिलकोटी वालों के छप्पर है तो वहाँ पर जाना है पानी पीने के लिए, बोतल लाना भूल गई मैं घर से, तो इसे कर देती हूँ फटाफट। धूप भी बहुत हो रही है तो दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये वाला खेत मैंने पूरा कर दिया है, और ये देखो इतना लंबा है ये, अभी थोड़ा उधर भी है उस पेड़ के वहाँ से है ये, और ये देखो दोस्तों वो उस पत्थर के थोड़ा इधर तक है। तो अब मैं जाती हूँ थोड़ा पानी पीने, वो रात छप्पर वहाँ पर जाना है पानी पीने के लिए, तो दिखाती हूँ आपको पानी। तो नहीं जा रही हूँ मैं पानी पीने छप्पर पे, यहाँ पर है एक बोतल दादी की है ये, और दादी देखो इतनी बुजुर्ग भी हो गए हैं अभी भी यहाँ खेतों में लगे हैं। देखो इतना कर दिया दादी ने, बाबरी। दादी क्या खाते हो आप? ए दे तुम क्या खाना, क्या खान तुम पहले जमान बे तुम अभी तला गया तो। जोर बटा झंगुरा भात। को खाना लो ये, को खाना खेली बूतना लो। लो सोचा तुम अमूल तरवे जेल हो दिया अब सौक दिया था। दोस्तों ये है पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग, जो कि उस टाइम पे झंगोरा यानी कि रावड़ा गांजड़ा क्या क्या बोलते हैं वो सब चीज खाते थे, कोदे की रोटी, और इस जमाने में लोग खा रहे हैं पूरे मार्केट का आटा भी ला रहे हैं मार्केट से, खाली खेतों को कर रहे हैं पर खा बाजार का रहे हैं। तो इससे क्या है कि इंसान जो है बीमार पड़ जा रहा है, और काम करने की जो क्षमता है वो है ही नहीं, एकदम धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। बाहर से तो है फुलाई लेकिन अंदर से पूरी कमजोरी भर चुकी है सब लोगों में। तो पहले ज़माने में देखो आज भी वो लगे हैं बुजुर्ग लोग, मेरे ही जो बूढ़े सास ससुर हैं वो भी अभी तक लगे हैं, कितना मना भी कर रहे हैं उनको पर लगे हैं वो अभी, और जा रखे हैं यहाँ से। है एक तो यहाँ है सिलकोटी में है रेंगांव वालों के खेत, और दूसरा है नंदगांव में, तो दादे लोग नंदगांव जा रखे हैं आज। तो अब ये मेरा हमारा दूसरा वाला खेत है, तो इसको करते हैं अभी, अभी तो नहीं करूँगी मैं क्योंकि 12 बज चुके हैं दोस्तों और मुझे बहुत धूप हो रखी है। देखते हैं छाव छाव मैं करती हूँ, यहाँ तो है कुछ नहीं पर करना है ही, तो जाती हूँ घर, मिलती हूँ आपको घर जाके। ये देखो दोस्तों इतने काफल लाए मैं, देखिए दोस्तों मेरा डुग्गू अभी उठ रहा है और केले के चिप्स खा रहा है, ये रहा पैकेट। तो डुग्गू हाय बोलो, हाय बोलो, कितनी शैतानी कर रहा है, पूरा गिरा दिया उसने नीचे। हाय बोलो, हाय दोस्तों, कैसे हो आप? मैं भी उठ रहा हूँ, बोलो आपने भात खा लिया? बोलो हाय पापा, बोल दो हाय पापा, मिस यू पापा, मिस यू पापा। और लव यू, लव यू मां, क्या बोलना, लव यू मम्मा या पापा, क्या बोलेगा बोलना? लव यू पापा। हो पापा को बोल रहा, मम्मी को, मम्मी को नहीं बोलेगा? डुगू
मम्मी को नहीं बोलेगा बटन, मम्मी को नहीं बोलेगा लव यू बटन। देखो बटन खुल गया उसका, मुझे बोला लगा दे। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, खाना खाते हैं हम अब। तो शाम के 4:45 हो चुके हैं और मैं गौशाला के छत में आ रखी हूँ इस घास को अंदर रखने, क्योंकि मौसम ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है दोस्तों। शाम को मैंने बताया था आपको कि मौसम इतना ख़राब हो जा रहा है कि उस कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आज का मौसम देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से। देखो दोस्तों डुगू बड़ा काम करने वाला हो रखा है, मैं गुड़ाई करता हूँ बस। वो देखो कुदाल पकड़ दी हाथ पे। तू क्या कर रहा है? टॉफी दे रहा मुझे। ये बाप रे, ये देखो मुझे टॉफी दे रहा। करो गुड़ाई करो। दोस्तों ये हमारा है, यानी ये क्यारी है हमारी, और इसमें 2-3 चक्कर हमने मिर्च बो दी है, लेकिन एक भी मिर्च नहीं हो रखा है। एक लौकी का ये हो रखा था, लौकी की बेल, और डुगू ने उसको उखाड़ दिया है। ये देखो दोस्तों खुश बन रखा है कि मैंने कैसे उखाड़ा, वो देखो। और अभी हम इसको करते हैं यहाँ पर से साफ, देखते हैं कितना हो सकता है। तो दोस्तों मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को। तो दोस्तों वो वाला काम मेरा आधा हो चुका है, अब ससुर जी कर रहे हैं थोड़ा, और मैं चाय गर्म करने के लिए आ रखी हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ मैं सन्नू, फिर मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। बोलो शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, प्यार करो मम्मी को, बाय बाय। दोस्तों कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।